ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत आपकी आवाज। पानीपत के संजय चौक पर एक कावड़िया द्वारा शिविर में चार्जिंग पर लगे दूसरे कावड़िया के स्मार्टफोन को चोरी कर अपने बैग में डालकर शिविर से फरार होने का मामला सामने आया है। सारी वारदात शिविर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ ही देर बाद जिसका मोबाइल फोन था वह अपना मोबाइल लेने के लिए गया तो फोन न मिलने पर घबरा गया और शिविर के आयोजकों को सारी बात बताई, जिसके बाद शिविर के आयोजकों ने शिविर में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस की मदद से चोर की तलाश की गई और मात्र 15-20 मिनट में चोर को पानीपत के रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया। चोर के पास से मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पानीपत के गांव बापोली में पिछले महीने मनरेगा के तहत काम करते हुए मिट्टी की ऊंची ठेंग अचानक गिर गई और मौके पर काम करने वाली 3 महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं और गंभीर हालत में उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया था, लेकिन एक माह से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सरकार या जिला प्रशासन के साथ पंचायत ने भी इन गरीब महिलाओं का कोई ख्याल नहीं किया और महिलाएं लचर हालत में आज भी चारपाई पर जीवन जीने को मजबूर हैं। निगम प्रशासन द्वारा वार्ड 23 के भारत नगर में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया गया। वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने बताया कि काली माता का मंदिर निर्माणाधीन था, अधिकारियों ने मंदिर को भी तोड़ दिया, जिस कारण कॉलोनी में रोष बना हुआ है। इस बारे में निगम के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से कुछ भी मना कर दिया। सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर की आवक ना के बराबर है। वजह यह है कि टमाटर के दाम दिन प्रतिदिन आसमान को छू रहे हैं। मंगलवार रात तक टमाटर 50 से 55 रुपए बिक रहा था। बुधवार सुबह होते तक टमाटर सभी सब्जियों पर भारी पड़ गया। धीरे धीरे टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह है कि दिन प्रतिदिन दाम में उछाल हो रहे हैं। रेडी पर बेचने वालों की बात की जाए तो सेक्टर और पोस्ट इलाकों में टमाटर 80 से 90 रुपए तक जा चुका है। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। प्रदेश में बिजली इस बार महंगी हुई है। बिजली की दरों को 25 से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है। बिजली के सभी उपभोक्ताओं पर 25 से 50 पैसे प्रति यूनिट का भार पड़ा है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 से 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी की गई है। कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली महंगी मिलेगी। संयुक्त व्यापार मंडल पानीपत के प्रधान अनिल मदान द्वारा पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों की सूची घोषित कर दी गई, जिसमें चेयरमैन दर्शनलाल वधवा, सरपरस्त जीत मैनी, जगदीशलाल आहूजा, सुनील अरोड़ा, मूलखराज मकड़ व करमचंद नारंग को बनाया गया। सलाहकार मंडल में मोहनलाल सिंगला, प्रेम अरोड़ा, अशोक सलूजा व अशोक नारंग को सम्मिलित किया गया। विशेष आमंत्रित सदस्य में सुरेंद्र रेवड़ी, प्रधान यार एसोसिएशन व उप प्रधान सुनील वर्मा, राजू चावला, सुरेश बवीजा, राजीव सोनी, कृष्ण फुटेला व लक्की शर्मा चुने गए। महामंत्री राजेश्वरी, विपिन चुग और गौरव लेखा को बनाया गया। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची आज जारी कर दी गयी।